रात को सो ही गई थी कि मम्मी का कॉल आया और मम्मी ने कहा मैं गेट पर हूँ, गेट खोलो। और रात को 3:30 बजे मम्मी अचानक से वापस आ गई। चलो फिर सुबह उठकर नहा धो के फटाफट से मम्मी और मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाते। अब खाते खाते देखेंगे कि मम्मी ने उज्जैन से आखिरकार लाया क्या है। मम्मी बज नहीं रहा है तो लाई क्यों है? बजवा के लाए हैं। इसका भी टेक्निक होता है बेटा बजाने। तो वो टेक्निक तू सीख के क्यों नहीं आई? अभी आंटी सीखूंगी। आ गई है और मेरा ना बड़ा मन कर रहा था इतने दिन से फिश खाने का। और मुझे ना पता नहीं है कि फिश का मार्केट में क्या रेट चल रहा है, तो अंकल मुझे कहीं चूना ना लगा। इसको फ्राई प्लस ग्रेवी दोनों में डाल सकते हैं ना पर? देखा मेरी बातों से तो अब आपको भी पता चल गया होगा। तो फिर फिश लेकर चलते हैं घर और इसको रखते हैं फ्रिज में। और मुझे ना फ्राइड फिश बड़ी पसंद है, मेरे मुँह में पानी आ गया, अब रहा नहीं जा रहा है। जब तक मम्मी फिश करी बनाती है यही खा लेते। और ये आप लोगों के साथ भी होता है क्या कि घर में जब कुछ अच्छा बनता है ना तो भूख बड़ी जल्दी लग जाती है? अब इस फिश करी को IPL का मैच देखते देखते एंजॉय करेंगे।